इस म्यूजियम में झारखंड के हर एक कला संस्कृति और हर एक परिवार जो शहीद हुए थे और हर एक जो कहने वाले जैसे भगवान जैसे बिरसा मुंडा जी हैं सबका प्रतिमा लगवा सबके बारे बताया गया। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जगह आकर के। तो आपको इस जगह कभी आना, जब भी आप रांची आते हो तो इस जगह म्यूजियम में जरूर आना और इसके कला संस्कृति के बारे में पता करना जानना जरूरी है। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड का हर एक कला संस्कृति और सब चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है हम लोग के लिए। आप इस सब का देख रहे हो ना, ये सब का घर जो पीछे है, इन लोग जैसे इस जनजाति को जैसे छोटे छोटे परिवार लोग को बिहोर परिवार जैसे कि छोटे छोटे घर बहुत ही नॉर्मल घर रह चुका है इन लोग का। तो मैं बता दूँ ये सब इसी तरह पत्ता के बना हुआ पत्ता मिट्टी से बना हुआ घर में रहते थे। तो गाइस मैं बता दूँ फिलहाल यहाँ पे अब हम लोग आ गए दूसरे में जो मल्हा जनजाति रहते थे जो मछली पकड़ते थे। जो देख सकते हैं हर एक स्टैचू के बारे बताया गया जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा। और हम लोग का संतल जनजाति जो रोपा करते हुए जो पहले हम लोग का जैसे धान रोपा होता है ना, धान रोपने का जिस झारखंड का कल्चर है आप देख सकते हैं सारा हर एक के माल पहाड़ियों जनजाति लकड़ी काटते हुए। मैं बता दूँ हर एक जनजाति के बारे बताया गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे शंख और डंक सारा चीज का मंदिर के बारे बताया गया जो देख सकते हो। और यहाँ से मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, पारसनाथ टेम्पल गिरिडीह, यह है पारसनाथ टेम्पल गिरिडीह का। यहाँ पे जेल चर्च है रांची, आप लोग सारा पढ़ लेना, सारा मतलब पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से यहाँ बनाया गया म्यूज़ियम है। ये है स्टेट म्यूज़ियम झारखंड का जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से। ये है गोपाल मंदिर बोरिया कांके, आप देख सकते हैं मतलब हर एक मंदिर के बारे यहाँ बताया गया। अब देख लो बहुत ही। तो फाइनली गाइस मैं बता दूं फिलहाल यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो मंदिर का सारे मंदिर जितने भी झारखंड में मंदिर है सारे मंदिर को यहाँ बताया गया दिखाया गया, हर एक मंदिर के बारे यहाँ बताया गया। तो आप इस जगह मंदिर के बारे आ सकते हो और यहाँ से नहीं जान रहे हो तो आप इस मंदिर के बारे देख सक करके आप उस मंदिर तक जा सकते हो। और उद्घाटन हुआ था 10 सितंबर 2009 को जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया और इस म्यूजियम को लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर एक प्रतिमा के बारे बताया गया जो कि 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में जितने प्रतिमा थे सबके बारे बताया गया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। देवी देवताओं के बारे भी बताया गया, अब देख सकते हो हर एक चीज़ के बारे बताया गया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर एक स्टोन के बारे बताया गया देख सकते हो, स्टोन टूल्स सारे स्टोन के बारे बताया गया यहाँ पे, कॉन्च सेल्स वुडन टूल्स वुडन कॉम्ब हर एक चीज़ के बारे बताया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप पढ़ लेना जो 12वीं शताब्दी में जो जितने भी देवी देवताओं थे सारे का प्रतिमा पत्थर
स्टोन सारे जितने भी सारे को दिखाया जा रहा है। और आप देखो बहुत ही अच्छा आर्ट कर रखे हैं सारे लोग। और यहाँ पे हर एक प्रतिमा दिखाया गया। और देखो फिलहाल बहुत सब एक औजार पहुँच गया हूँ फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर आकर के यहाँ पे दिखाता हूँ। और गाइज आप जो देख रहे हो ना, ये सब अपना हाथ से बनाया हुआ है, सब हाथ से किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना भी देख रहे हो इतने यहाँ पे जितना भी नीचे रखा गया है सारा हाथ से बनाया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सारे यहाँ का कल्चर है, झारखंड का कल्चर दिखाया गया कि कौन सा कैसे। हर एक पेंटिंग, हर एक कलर, जो कि हर एक अपना अपना सभी अपना बांग जो भी अपने आर्ट किए हैं, जो कला किए हैं, सबके बारे में बताया गया। और इसके अंदर में देखते हैं क्या है नहीं है। आ जाए आंटी लोग अभी सफाई कर रहे थे, इसीलिए पूछ लिया मैंने कि आ जाए या ना आए। तो गाइस ये है वृक्ष भाई, हर एक चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, देख लो भाई। हर एक पहले का, हर एक पत्थर, हर एक सामान, हर एक मंदिर का ध्यान मुद्रा आप देख सकते हो। के बारे बताया गया, हर एक चीज़ के बारे बताया गया, आप देख सकते हो। जैसे जितने भी हम लोग झारखंड की पहाड़ियों में पहाड़ी पाए जाने वाले थे पत्थर, ये सब सारा पत्थर ही हर एक आज मैं पहुंच गया फिलहाल लाइब्रेरी के पास, पुस्तकालय लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी भी पढ़ने उड़ने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो यहाँ का पीछे लाइब्रेरी है, मैं तो डिस्टर्ब नहीं करते है ना। चलते हैं दिखाते हैं दूसरा कुछ। फाइनली गाइस हो गया वीडियो कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव एंड कीप सपोर्टिंग।